हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। रहीम शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाले। अस्सलाम अलैकुम। अच्छा, इन्होंने हाथ भी खड़ा किया, कितनी प्यारी ये लग रही है। क्लैप हो जाए इनके लिए, इनके हाथ खड़ा करने पे। अब मैं आपको मौका दूंगी, ऐसे ऐसी कोई बात है, बोलने का मौका बिल्कुल दिया जाएगा क्योंकि ये वीकेंड शो में है और दिल खोल के आपकी मर्जी है, आप जो बात करना चाहे। फैमिली शो है ये, जरा खास एहतियात रखिएगा, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि ये जो चेहरे पे मुस्कुराहट है हमेशा कायम रहे। और हमारी ये भी कोशिश होती है नाज़रीन के घर बैठे तमाम की तमाम टेंशनें आपकी ख़त्म हो जाएँ कि आज खाने में क्या बनना है। वैसे आज आपने क्या दोपहर को खाने में खाया, ये सवाल है एक, और हम अपने गेस्ट से भी पूछते हैं। लेकिन कोशिश ये होती है हमारी और एक काविश होती है कि घर बैठे तमाम के तमाम बच्चों की, माओं के, बड़ों के, बुज़ुर्गों के, यंगस्टर्स के जितने भी मसले होते हैं वो सॉल्व हो जाए। तो आज का जो प्रोग्राम है बड़ा अल्ला गुल्ले वाला भी होने वाला है और साथ में आपके जो घरेलू मसाइल हैं उनका भी हल निकालेंगे। आज हम आपको एक तो मेरी बहुत प्यारी सहेली ख़ास तौर पे कराची से लाहौर आई हैं और उनको आप टेलीविज़न स्क्रीन पे देखते हैं, किसी से ढका छुपा नाम नहीं, इतनी मल्टी टैलेंटेड हैं कि इतनी सी उम्र के अंदर इतने बड़े बड़े काम करती हैं और आपके पैसे बचाती हैं। जो शख्स पैसे बचाए और पैसे ना लगवाए उसको तो वैसी दुआएँ दिल से निकलती हैं, और मर्द हज़रात तो ख़ास दुआएँ करते हैं इसलिए क्योंकि उनकी जेबों से पैसे नहीं जा रहे होते। तो आज मेरी बहुत प्यारी सहेली और आपको वो क्या क्या कुछ करना और बताना और बनाना सिखाएंगी वो आपको खुद अपनी जबानी जो है वो बताएंगी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शेफ फरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, म्यूजिक दोबारा करें, थोड़ा सा जरा झूम भी लेना ये। मैं बहुत बुरी लग रही थी ये करते हुए, प्लीज एडिट कर दीजिएगा फरा, बहुत प्यारी लग रही। सच्ची बात है कि मैं भी बड़ी बुरी लग रही थी। आप तो बहुत प्यारी फरा, ये क्या मतलब इतनी किफायत शारी के खुद पे एक ढेला नहीं खर्च के बिल्कुल ही मास नहीं नजर आ रहा भाई, क्या राज है इतनी फिटनेस का? नहीं नहीं यार, ऐसा ना कहें, आप इतनी दुबली पतली है, मैं हूँ वैसे आपसे पतली हूँ, लेकिन बस क्या करें, मतलब इतनी किफायत शारी के फलों का सब कुछ बना देती है। लेकिन ना इतनी महंगाई का दौर है तो कहाँ से बंदा पूरा करेगा? तो जाहिर बात है जो आप खाते हैं जो चीज उसको आप अप्लाई भी करें लगाए, और नेचुरल चीजों में जितनी खूबसूरती छुपी हुई है वो किसी चीज में भी, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो नेचुरल चीजों में। अच्छा फरा, मैंने ये सोचा कि मैं ना नाज़रीन को बताऊं, आप आई हैं, आप हमारी मेहमान हैं, अब खैर फैमिली का हिस्सा ही हैं, तो आज क्या आप करना और बनाना सिखा रही हैं ये बताओ। क्योंकि हमने हेल्थ का तो बड़ा ख्याल रखा है, हर चैनल्स पे जाके आप देखते हैं हर चीज़ों से आपकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, तो ब्यूटी का भी बड़ा ख्याल रखते हैं, और ब्यूटी की वो बेसिक चीज़ें जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, और आप ये भी चाहते हैं कि मैं मुँह पे बेस लगाऊँ लेकिन वो लगे भी ना, ये हमारा होता है ना मेंटल प्रॉब्लम, ये बेस लगाइए लेकिन लगे भी ना, फिर हम बता भी रहे थे देखो देखो मैंने बेस लगाई है कहाँ नजर आ रही है, वो एक्चुअली लगाई हुई होती है, और वो बेस कितनी महंगी मिलती है आपको भी पता है, बहुत महंगी मिलती है, उसका नाम है बीबी क्रीम, हर कंपनी की आपको मार्केट में अवेलेबल है लेकिन बहुत महंगी होती है, ये तकरीबन 1000 से लेकर आपको 5000 तक की मिल जाती है, लेकिन मैं आपको 50 से 60 रुपए में आपके घर में आपको बनाना बताऊंगी बीबी क्रीम, और वो भी बात तो सुने आगे, वो भी आपकी स्किन टोन के मुताबिक, किसी का कलर बहुत ज्यादा गंदमी होता है, किसी का व्हाइट होता है, किसी का पिंक होता है, किसी का डार्क टू टोन, हर टोन में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, आपको अलग अलग लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही बनाएं और सारे शेड अपनी मर्जी से बनाएं। यानी 5000 की क्रीम आपको 50 रुपए में, वो भी आपकी स्किन टोन के मुताबिक, वाह भाई वाह। अच्छा अभी सिर्फ ये नहीं, आगे भी बताने वाली, जरा फरा आगे भी बता दो, सारी चीजें बता दो, सारा ही बता दो। चले ठीक है, और जब आंखों में काजल, मस्कारा और लाइनर ना हो तो फिर मजा ही नहीं आता। अच्छा, काजल के लिए आंखें जरा वो भी झपके ना ऐसी, हाँ ऐसी होनी चाहिए, लाइनर वाइनर आपने लगाया हुआ है वो घर का बना हुआ लाइनर, वो मैं आपको लाइनर मस्कारा में आपको बनाना सिखाऊंगा, घर में बैठे, घर पे बैठे आप खुद बनाए, अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, अपनी अम्मी को भी इन्वॉल्व करें, सबके लिए बनाए, सस्ता सबको लगा दे, देखिए वो काम में लगी रहेंगी तो झगड़ा ही नहीं करेंगी, ये हुई ना बात, सबको
ये कह दो कि हम बचत कर रहे हैं तो सासों नंदों सबको लगा दो ताकि ना लड़ाई हो। अच्छा सबको लगाइए, शुक्र है, चलो कहीं तो पैसे बचे। तो भाई आज शेफ फरा आपको एक तो बीबी क्रीम जो 5000 की मिलती है 50 रुपए के अंदर बनाना सिखाएंगे, उसके अलावा लिपस्टिक, मस्कारा, आईलाइनर, ये तीनों चीजें घर बैठे किस तरीके से आप बना सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसको कंटेनर्स में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये तमाम चीजें शेफ फरा बताएंगे आज के शो में। अच्छा जी, सिर्फ शेफ फरा हमारे शो में नहीं, मेरे बड़े खास मेहमान, इतनी खूबसूरत आवाज है फरा, आपने ऑटोग्राफ भी ली और सेल्फियां भी ली। मेरी तो दिल की धड़कन है ना, वो तो रुक गई, मैंने तो उनको देखा। अरे ये शो पे आई मैं जी, बिल्कुल। अच्छा, कैसे लंबी आ ली पहले ये बताओ। भाई जो पर्सनालिटी आज हमारे साथ मौजूद है, उनकी हम टैलेंट की अगर बात करें, उनकी आवाज की बात करें, इंटरनेशनल स्टार है। क्या पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने परफॉर्म किया है, चाहे हम पड़ोसी मुल्क की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, यूरोप की करें, ही इज अ सिंगिंग सेंसेशन। और बहुत कम आते हैं शो के अंदर, और आज मैं इतना लकी फील कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट शो होने वाला है, क्योंकि कभी जिंदगी में ये किसी के शो में नहीं आते, लेकिन वीकेंड शो में भाई खास तौर पे एटीवी नेटवर्क के लिए और वीकेंड शो की ऑडियंस के लिए आए हैं। इनकी अगर गाने की हम बात करें तो वो लम्हे, वो यादें, पता नहीं क्या क्या कुछ गा चुके हैं, कटरीना के साथ परफॉर्म कर चुके हैं, मतलब छोटे लेवल की तो बात ही नहीं है ना स्टार्स की, बड़े बड़े लेवल की और कॉन्सर्ट्स करते हैं। तो मैंने आज सोचा कि वीकेंड शो पे कॉन्सर्ट जो है इनका लाइव सुना जाए, सुनना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो विदाउट एनी फर्दर डिले प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वन एंड ओनली आतिफ असलम। जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी हैं, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, न जाने कब से। आतिफ आप कैसे हैं, आपको मालूम है हम आपके इतने कितने बड़े फैन हैं, इतने बड़े इन आतिफ के, इतने बड़े, इतने 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 आपको मैं आपके इत्तला के लिए अर्ज है, मैं जाली हूं। ओ मैं असली नहीं हूं। क्यों? चाइना कॉपी। मुझे पीछे अंदाजा हो रहा है थोड़ा अंदाजा, लेकिन ये पीछे मुंह करके बातें कर रहे थे ना, आतिफ समझी, आतिफ समझी, अभी देखा है। द वेरी टैलेंटेड, वी विल अगेन वेलकम शफात को, हम एक दफा फिर वीकेंड शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छी पहली। अगर हम शफात के टैलेंट की नाजरीन बात करना शुरू करें तो क्या होस्टिंग है, क्या मिमिक्री है, क्या मैं कहती हूँ मल्टी टैलेंटेड और इंजीनियर, मतलब ये पढ़े लिखे दिमाग भी है साथ में, तो मतलब ये क्या जरूरत पड़ी थी कि ये सब भी कर लिया। और मैं अगर ये कहूँ कि इंटरनेट सेंसेशन है, लड़कियां ना कलाई काटना शुरू हो जाती हैं जब तुम्हारी वीडियो देखती हैं, क्यों? ये मेरा ख्याल में शायद कोई ज़हनी बीमारी है, मैं कुछ कह नहीं सकता, वरना यकीन करें मुझसे मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे दाने पड़े हैं। आज शफात है और आप लोगों की कसम से शफात, आज मैंने नहीं बोलना, मैं क्यों बोलूं, आज तुम हो तो तुम होस्टिंग भी करोगे और सारा कुछ मैनेज। हाँ तो फिर आप घर चली जाए। आप घर जाए आप। नहीं नहीं, मैंने वो सेगमेंट भी करना है, क्या है, ब्यूटी का। हाँ तो ठीक है, हम दोनों कर लेते हैं, इनकी क्या जरूरत है। फलों का हलवा भी बनाना है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा ये आप जो ये मेरी हेल्प करेंगे सुंदर, आप। अच्छा पता है इनकी वजह से बहुत मसाइल है। कौन से मसाइल बताएं भाई ना, हमारे घर से सेबों के छिलके बाहर जा रहे हैं, किन्नू जो छिलके पड़े पड़े। अच्छी बात है ना, ये कौन जा नहीं रहे, पता नहीं मूंगफली वाले क्यों रह जाते, वो भी जल रहे हैं, पता नहीं उनसे भी पता नहीं क्या बन रहा है। अच्छा जी, अब ये शफात आ चुका है, यही सब होना है, कसम खुदा की आज ये ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आतिफ कैसे हैं आप, ठीक हैं? देखते हैं, आपको बुझाने आया हूं आज। दोपहर को क्या खाने में आज खाया? मैं तो हमेशा एक ही चीज खाता हूँ, मगज। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत कुछ होने वाला है ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड। कॉमेडी बन रही है ना जुबान में, अच्छा बोलने भी उर्दू भी साफ है ना, तो ये भी मसला है। कॉमेडी तो पंजाबी होती है, ये भी मसाइल है लोगों के, तो कहीं से मैच नहीं होता, कहीं से पता नहीं चलता कि भाई मेरा हंसने हंसाने की फील्ड से कोई दूर दूर तक का भी ताल्लुक है, मुझे खुद भी नहीं लगता। पता है तुम बड़े
एक पढ़े लिखे तो खैर तुम हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लेकिन ये लगता है कोई कंपनी का सीईओ। मतलब तुम आते हो ना कोट पैंट पहनो, लगेगा सीईओ आ रहा है और मर्सिडीज से निकला हुआ, और मतलब नहीं लगता यार देख के कि तुम ये क्या, मतलब ये कोई हल्का काम है, ये ऊ नहीं, बड़ा मुश्किल काम है जो आप करते हैं, जो आप नहीं है वो आप बन रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और मेरे ख्याल में जितने भी एक्टिंग के जॉनरे हैं उसमें कॉमेडी सबसे ज्यादा मुश्किल है। एक तो ये कि यू नीड टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस, आपकी टाइमिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपको लोगों को ऐसी बात करनी चाहिए जो कि सरप्राइजिंग हो। कॉमेडी इज ऑल अबाउट सरप्राइजेस, तो बड़ा मुश्किल काम है। और इसमें अपने आप को अप टू डेट रखना और सियासत जैसे मौजू पे मजाक करना, सियासत भी संजीदा मौजू है उस पर मजाक करना वो थोड़ा मजीद मुश्किल हो जाता है, इट्स मुश्किल काम। तो वैसे बड़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ता होगा ऑब्वियसली, क्योंकि फिर जब जिन जिन लोगों की तुम मिमिक्री करते हो तो वो हैंडल करना आसान तो नहीं होता होगा। 99% ऐसा होता है कि लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ओवरवेलमिंग होता है। इनफैक्ट कई दफा तो ऐसा हुआ है कि लोगों ने मुझे खुद अपने घर पे बुला के सामने बिठाया, कहा यार ये देखो तुम हम घड़ी इस हाथ पे बांधते हैं, तुमने इस हाथ पे बांधी थी, तुमने गोल्डन घड़ी बांधी थी, हम ऐसे मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा लेकिन कई लोगों ने अपने मतलब आउटफिट्स जो है ना वो मुझे गिफ्ट किए कि भाई आपने आइंदा से अगर आपने कोई ये कैरेक्टर करना है तुम्हारी ये बास्केट है, इस पे ये वाला रुमाल है, आपने ऐसे पहन के बैठना। अच्छा। लेकिन कभी एक आध कोई ऐसा वाकया हो जाता है जो माइंड कर जाते हैं और उनमें कारकुनान मेरे ख्याल में जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं वो तबका होता है जो फौरन आ गया, ये हमारे कायद की शान में गुस्ताखी हो गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन मेरे ख्याल में कभी लीडरशिप की तरफ से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी तो पैरोडी करते हैं उनको याद करके, वरना जिनसे प्यार ना करें उनको तो याद ही नहीं करता। वैसे आप भी बड़ी अच्छी एक्टिंग कर सकती हैं, आपको मालूम है ये, मुझे लग रहा है आप एक हीरोइन के किरदार में अगर आए और आपके बाल ऐसे लहरा रहे हो तो वो लास्ट फिल्म होगी, और बारिश हो और साड़ी आपने पहनी हो, साड़ी का पल्लू ये वाला, ये देखो ये वाला ऐसे ना है, कितना मजा है वैसे, बड़ा मजा है, बस यही रोल मिलेगा मुझे, फिर बोलेगा जा घर जा हो गया। अच्छा सुने, अच्छा मैं एक बात बताऊं, अगर ये हीरोइन के रूप में आई ना तो ये कोई फेरी वाले की हीरोइन हो सकती है कि जो फलों फल लगा रहा है या कुछ कर रहा है और उसके जो फल है वो जाया जा रहे हैं, अचानक उसकी हीरोइन कहती है आई हैव अ वाइज आईडिया, कुछ दिन के बाद वो फेरी वाला अमीर हो जाएगा, करोड़पति हो जाएगा। अच्छा वो बात की बात है ना, अमीर होगा बात की बात, कुछ दिन के बाद ही हो जाएगा। अच्छा मैं ऐसी चीजें बनाऊंगी। आपकी कितनी सुगर है ना, आपकी सास ने बड़ा खुश होना इस फिल्म के अंदर, ये मैं बता रही हूँ जल्दी से। अच्छा शफात, मसला ये ना इसको देख के दिल भी नहीं करा चीप सवाल करने को ना कि लड़कियां फैन फॉलोइंग होती है, मैं फिर भी करूंगी बड़ा दिल। अच्छा करा लें, घर में झगड़े करवा लें मेरे, मैं करवाऊंगी लेकिन सारी राज की बातें आपसे पूछेंगे, सारी पूछेंगे, सब पूछेंगे। अच्छा आज क्या पहली चीज हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले बीबी क्रीम बताऊंगी मैं, और ये किसी रेडी वाले से फेरी वाले से नहीं लिया गया, ये सारे घर की चीजें जो आप यूज करती हैं, फेरी वाले रेडी वाले की भी चीजें आएंगी, जरा सब्र कर जाए। ठीक है, तो अब ये मैंने, हम लोशन यूज करते हैं, बेबी लोशन कोई भी यूज करते हैं या फिर आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करते हैं, हमारे साथ मसला ये होता है सर्दियां हैं, स्किन फट रही, वो लगा ले तो हम काले भी हो गए, और हमें ये भी मंजूर नहीं है, हम क्यों काले हो भाई, स्किन को भी साफ करना है लेकिन गोरे भी होना है, शाइनी स्किन भी है, तो उसके लिए मैंने आपके मसला हल कर दिया। बीबी क्रीम जो बहुत महंगी मिलती है आपको, मैं बहुत बहुत सस्ती से मैं आपको बनाना बताऊंगी। आपने ये मॉइस्चराइजिंग बीबी क्रीम, सॉरी ये आपने बेबी लोशन ले लेना है जो आपके घर में होता है, तकरीबन 2 टेबल स्पून आप इसको बना के रख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत आसान आसान सी चीजें जो आपके घर के अंदर होती हैं, जो आपके किचन में भी होती है, आप उसे यूज कर सकते हैं। और ये कितनी क्वांटिटी में हो पा रहा है? ये 2 टेबल स्पून मैंने अभी लिया है बताने के लिए, जितनी आपको बनानी है आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। अच्छा ये जो मैं बना रही हूँ ये ऑल टाइप स्किन के लिए, जैसे हमारे गंदुमी स्किन होती है, गंदुमी कलर होता है, उसके लिए ये वाला कलर है कि आप इसको लगा सकते हैं इजीली। अच्छा इसमें हमने 1/2 टीस्पून कोको पाउडर डाला, कोको पाउडर, क्योंकि थोड़ा सा इसको कलर देना है, ज्यादा पिंक भी अच्छा नहीं लगता, ज्यादा व्हाइट भी नहीं अच्छा लगता, कोको पाउडर डाल दिया, देखिए इसका कलर किस तरह से आ गया। ठीक है, ठीक है, और अब हमने क्या करना है इसमें, ये मेरे पास है कॉर्नफ्लोर। ठीक है, कॉर्नफ्लोर जो हम हमारी जो कटलेट्स वगैरह को फ्राई करते हैं या फिर केक बनाते हैं या सूप बनाते हैं, उसके लिए हमने 1 टीस्पून ये ऐड कर लिया। ठीक है, ठीक है, ये ऐड करने के बाद अब स्किन में थोड़ा सा आपकी स्किन ग्लो भी करनी चाहिए, ऑलिव ऑयल है ये मेरे पास। ठीक है, ये 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल मैंने शामिल कर दिया। ऑलिव ऑयल से क्या होगा कि ये आपकी क्रीम खराब नहीं होगी, आप इसको रख सकते हैं, ये आप इसको फिर लगाएं, ये हमारे पास कलर हो गया नॉर्मल स्किन के लिए। देखिए इस तरह की बेस हम खरीदते हैं ना मार्केट में जाके, इस तरह की बेस खरीदते हैं और हम इसको लगाएं अपने हाथों पे, ये आपके हाथों पे देखें ये कलर भी चेंज हो गया, यहाँ का कलर देखें, यहाँ का कलर देखें, वेरी नाइस। ठीक है, इस तरह के बेस हम खरीदते हैं, ये आपने पूरे फेस पे लगाएं और आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट भी हो जाएगी, और जो आपकी टूटोन स्किन हो रही होती है, डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं, कहीं से पैचेस पड़े होते हैं, वो भी कवर हो जाएंगे, और आपका ये मसला भी हल हो जाएगा
कि हमने बेस लगाया ही नहीं, नहीं तो ये तैयार होगी बस, ये तैयार हो गई, बिल्कुल तैयार हो गई। और फल नहीं डालने, फल अभी नहीं डालने इसमें, फल किसी और चीज के लिए। और अगर आपको डार्क करना है कहीं से, आपकी डार्क सर्कल ज्यादा है, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने अलग से निकालनी है और इसमें आपने कोको पाउडर थोड़ा सा डाल, आपका कंसीलर बन गया, ठीक है, डार्क कलर का आपका कंसीलर बन गया, ये डार्क कलर का, ठीक है। पहले आपने डार्क सर्कल्स पे ये डार्क कलर लगा लेना है, फिर ये कलर लगा लेना है, वन टोन स्किन आपकी हो जाएगी। इतनी आसान सी आपकी बीबी क्रीम, इतनी महंगी होती है, आप ही घर में तैयार हो, मतलब मैं सबके वारी चली जाऊं, मतलब कि ये 5000 की क्रीम आपको, मुझे तो लगता है 50 से भी कम के अंदर बन चुकी, बहुत बड़ी बात है। शफात, वैसे इस तरह की चीजों में आप हैं मगन भाई? मुझे ये चीज समझ नहीं आई, ये जो उन्होंने किया है ना, मैं जहां तक मैं समझाऊं कि अब मैं जब घर जाऊंगा तो घर में मुझे पता ही चलेगा कि बेगम साहिबा ने पूरी जो है ये बेबी लोशन या बीबी क्रीम जो भी इन्होंने बनाया वो अपने मुंह पे थोप दिया, और उसके बाद अगर घर में फड्डा हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। मैं अभी कौन सा फड्डा होगा, आपके तो पैसे बच गए। ये मैं अभी आपको बताऊंगा, जो इसके पैसे बचे लाए और मैंने शॉपिंग करी, ये बात में फड्डा होगा, लेकिन अब बीबी क्रीम खरीदने में फड्डा नहीं होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बेगम किस किस कैरेक्टर की कभी फरमाइश करती है, कुछ कोई ऐसा कैरेक्टर की? वो तो कहती है खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। अच्छा वाकई में घर में भी लगे रहते हो तुम इसी तरह? प्रैक्टिस करनी पड़ती है ऑब्वियसली, वोकल कॉर्ड्स को अपने मैनेज करना, पहले एक आवाज बनाना, फिर वो जब आवाज बन जाती है फिर उसको पक्का करना। अच्छा। वो मुसलसल प्रैक्टिस से होता है, क्योंकि जब मैं स्टैंड अप कॉमेडीज करता हूँ, जब मैं स्टैंड अप शोज करता हूँ, तो उसमें होता ही है कि एक गो में, एक घंटे के शो में मैंने 60 मुख्तलिफ आवाजें निकाली या 70 डिफरेंट आवाजें निकाली, एक शो में मैंने 110 डिफरेंट आवाजें की, तो ये इट कम्स एट अ कॉस्ट। उसकी प्रैक्टिस, उसकी रिहर्सल वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और थोड़ा सा भी अगर कहीं कंटेंट स्लिप हो जाए या आपका गला स्लिप हो जाए, आपका गला साथ ना दे, तो मेरे ख्याल में बड़ी सुक्की होती है, क्योंकि स्टेज में लाइव ऑडियंसेस सामने बैठे होते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस कहीं पे भी हो सकती है, ड्राइविंग के दौरान, टीवी देखते हुए, वॉशरूम में, कहीं पे भी हो सकती है प्रैक्टिस, तो उसमें ऑब्वियसली फिर बेगम मोहतरमा को बनता भी, पहले घर वालों को बेचारों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, वो कहते थे पागल हो गया बच्चा हमारा, चीखता रहता है कमरे में, और अब बेगम को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बेगम बड़े ये ऐसे लोग जो है ना, ये होते हैं, ये सीख लो, ये भी सीख लो, प्रैक्टिस में तो बड़े खुश होते हैं, बेगम सब बड़े वो स्ट्रिक्ट बन जाते हैं, नाराज होना ही है। अच्छा मैं सोच रही थी कि हमें अभी ज्वाइन किए, शफात तो साथ बैठी है, डॉक्टर आमिर लियाकत भी हमारे साथ आए, तो क्लैप हो जाए पहले डॉक्टर आमिर लियाकत के लिए, सरप्राइज दे रही है आप मुझे, मैं तो बड़ी खुशी हूँ। हमने कहा कि फरा भी कराची से आई है, तो डॉक्टर साहब को भी हम कराची से लाइव लेने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अमेरिका, चाइना, जापान, जनूबी एशिया, मग़रबी बंगाल, साउथ चाइना, सूडान और मिस्र में देखने वाले तमाम नाज़रीन को डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तरफ से 24.5 फुट लंबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या क्रीम बनाई है आपने ख़वातीन हज़रात। ये जो क्रीम मोहतरमा ने, मौसूफा ने बनाई है, ये कोई मामूली क्रीम नहीं है, ये क्रीम दर हकीकत के लिए, आपके मामलात बदलने के लिए, आपके खर्चे घटा देने के लिए आई है। ख़वातीन हज़रात, इसको मुस्तरद खुदा के वास्ते इस क्रीम को मुस्तरद मत कीजिएगा, ऐसे नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब, मतलब आप कभी गेम शो करते हैं, कभी आप पॉलिटिक्स में आते हैं, कभी करंट अफेयर्स के एंकर बन जाते, क्या हैं क्या आप एक्चुअली में? मैं एक एंटरटेनर हूं, एंटरटेनर। तारिक अजीज साहब क्या थे? एंटरटेनर। मैं क्या हूं? नहीं, मैं एंटरटेनर, दी एंटरटेनर। तारिक अजीज साहब सिर्फ एंटरटेनर थे, मैं दी एंटरटेनर हूं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ कर लिया है दुनिया के 500। प्लीज आप जरा आराम से बैठ के भी बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब। ऐसे अगर बॉडी लैंग्वेज नहीं आएगी तो बात कैसे होगी? ओ सॉरी, समझ आ रही है? हाँ। देखो ये मरूब करो, मरूब हो जाओ। अच्छा, इन चीजों से अगर मरूब नहीं होगी तो फिर ऐसा कैसे चलेगा? हाँ। ऐसे नहीं चलना चाहिए ना। हाँ। बहुत हो गया। अच्छा इनका नाम फिर हम रखते हैं फरा बाबा। हाँ। फरा बाबा ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, थोड़े दिन खुश हो जाए। फिर उसके बाद मैंने कहा भाई वाकई में मतलब तुम यही करोगे सारी जिंदगी? मैंने कहा हाँ, बज़ाहिर बादी उन नजर में तो इरादा यही है कि मैं यही करूंगा। मैंने कहा अच्छा भाई अब चलो ठीक है। फिर उसमें ऑब्वियसली घर वालों का ये भी था कि यार क्या करोगे, प्रोड्यूसर बन के क्या हो जाएगा, मतलब मीडिया में तो कोई वो नहीं। हाँ। लेकिन घर वालों की अप्रिसिएशन के बगैर, उनके उनकी सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। और एंड यू नीड टू बी क्रेजी अबाउट इट। एग्जैक्टली।
ایک بندے کو اپنے اپنے فن کے بارے میں ایک وہ انگریزی کا لفظ ہے نارسسسٹ, خود پرست جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ لفظ تو منفی ہے لیکن کسی حد تک اگر آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اس میں فیوچر ہے, اس میں کوئی بات ہے, گھر والے آپ کو بتاتے ہیں, وہ گھر والے میرے خیال میں بہت بہتر طور پہ کر سکتے ہیں. اور انسان کو میرے خیال میں ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے جو اس کو گھر سے پرووائڈ ہو. بالکل صحیح, اور وہ آغاز گھر سے ہوتا ہے. وہ تو میں, اچھا جی بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی کرسی خالی ہے, پورا اسٹیج آپ کے سامنے, آپ بیٹھے ہوئے, مطلب بریک آپ نے لینی کیسے ہوگی؟ بس کروا لو تم جھگڑے ہمارے, سب سے جھگڑے کروا لو, میں سب سمجھ رہا ہوں, سب شرارتیں سمجھ رہا ہوں. اچھا چھپ بھی ان کے پیچھے رہی ہو جو کراچی سے, حد ہو گئی. مطلب خواتین و حضرات, ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, کہیں مت جائیے گا, اور اپنا ریموٹ اپنے ہاتھ میں اور اپنے قابو میں رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا ہی ملٹی ٹیلنٹڈ شو ہے, کہیں پہ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں, کہیں پہ ابرار الحق نے بھی آنا ہے, شہزاد بھائی نے آنا ہے, شہزاد روئے نے آنا ہے. بھائی کہہ کے کہے گا کون بھائی, مطلب کہ پریشان ہو جاتا ہے بندہ. تو مطلب اتنے اتنے لوگ ہیں, فرا بھی ہیں, مطلب فرا کسی سے کام ہے. بہت مزہ آ رہا ہے, میں تو دل ہی نہیں چاہ رہا میں کچھ چیزیں بناؤں. اتنے آپ نے اتنے اچھے گیسٹ بلائے ہوئے ہیں کہ میرے اپنے کام بھی کرنا ہے, اور مجھے گیسٹ کی بھی بڑی بتابی ہو رہی ہے. اب آپ کس کو بلانے والے ہیں؟ میری بات ہے کہ آپ کسی کو اچھے گیسٹ کو بلانے والے ہیں. بڑے سریلے, لیکن آپ نے لپسٹک کا بھی وعدہ کیا, آپ لپسٹک کب بنائیں گے؟ ابھی بنائیں گے؟ بالکل میں بناؤں گی, میں نے تو بہت ساری چیزیں بنانی, لیکن گیسٹ آپ نے اتنے بڑے بڑے بلائے ہوئے ہیں تو میں کیا, میرے کام میں دل نہیں لگ رہا. اچھا آپ کو پتا ہے ابھی جو گیسٹ ہیں ہمارے پاس وہ اتنے مدھور ان کی آواز ہے, مطلب کہ, اور ایک وقت ایسا تھا کہ لڑکیاں کالج کی پاگل ہو جایا کرتی تھیں ان کو دیکھ. وہ وہی تو نہیں ہے؟ ہاں وہ وہی ہے. اچھا اچھا, وہ وہی ہے کہ اس کے بعد پھر انہوں نے میوزک چھوڑ دیا, پھر پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گئے, سالی کے چکروں میں پڑ گئے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت, اور یہ بھی خاص طور پہ ویکینڈ شو میں آئے, مطلب نہیں آتے یہ جب تک کوئی تعلیم کی بات نہ ہو, سوشل کی بات. وہ ایکچولی میرا اور آپ کا سن کے آئے ہیں جی, یہ فرا کا سن کے آئے ہیں, کیونکہ میں نے کہا کہ فرا آنے والی ہے ایک ایسی فلم میں جس میں ساڑی اس طرح لہرائیں گی, تو انہوں نے چلی جائیں گی. ہاں جائیں گی, لیکن ساتھ میں ہیرو, انہوں نے کہا کہ میں ریڈی والا نہیں, یہ ماڈرن والا. پلیز پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر فور شہزاد روئے. سالی تو مانے نہیں کبھی تو مانے گی, سالی پہچانی نہیں کبھی تو جانے گی, سالی تو مانی نہیں کبھی تو مانے گی, سالی پہچانی نہیں کبھی تو جانے گی. بن کے انجانی گھر من مانی, ارے من مانی ہے تیری نادانی, کبھی چل من کبھی جلوا ہے یہ چاہت کا اشارہ. سالی تو مانی نہیں کبھی تو مانے گی, سالی پہچانی نہیں کبھی تو جانے گی. السلام علیکم شہزاد, کیسے ہیں آپ؟ آج میں بہت اچھا ہوں. تھوڑا مسکرا لیں. نہیں مسکراتا نہیں ہوں, آج کل میں پڑھا رہا ہوں نا بچوں کو. آپ کو آپ کو پتا ہی ہوگا, آپ میں پڑھا ہوا اسکول پڑھا ہوا؟ نہیں نہیں, وہ آپ کے اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے. میں اوپر جاتا ہوں, وہ گلگت بلتستان ہے, وہاں میں اسکول. تو پلیز مجھے لے جائیے نا. اچھا فری فوکس میں ہر جگہ چلی جاؤں. میں پڑھاؤں گی نا بچوں کو. ہاں پڑھاؤ گی؟ کیا پڑھاؤ گی؟ جو پڑھاؤ گی وہ دیکھ رہا ہوں. اتنی اچھی چیزیں پڑھاؤ گی کہ وہ آپ کی پڑھائی بھول جائیں گے. مطلب شفاعت ہو تو وہاں پہ میمکری اینڈ امیزنگ. میں نا تھوڑی دیر کے لیے واقعی میں آنکھیں اگر بند کرو تو ویژولائز کرتا ہے بندہ کہ یار وہی شخص ہے سامنے. اچھا اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جتنے بھی معاشرے کے اندر لوگوں کو ایک مقام ملا ہے, نام ملا, اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, اور آپ کو لوگ پسند اور پیار اور محبت کرتے ہیں چاہے کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہو, تو ان کی اگر بندہ میمکری کرے تو میرے خیال میں یہ ایک بڑے آنر کی بھی اس لیے بات ہوتی ہے, اور ایک اس وجہ سے آپ اس کو انجوائے آپ کو کرنا چاہیے, بڑا لائٹلی لینا چاہیے, کیونکہ یہی وہ پیار ہے جس کی وجہ سے آپ نے ایک مقام بنایا. تو جتنے بھی لوگ ہیں کہ جن کی شفاعت یا جتنے بھی لوگ میمکری کرتے ہیں, میرے خیال میں اس کو بہت لائٹلی انجوائے کرنا چاہیے. بالکل بالکل. میں تو چاہوں گی فرا کی بھی تھوڑی دیر میں کریں. ہاں کریں گے. میں نوٹ کر رہا ہوں, میں نوٹ کر, لاک کر لیا میں نے, لاک کر لیا. یہ فرا ذرا وہاں کچن چھوڑے, میں آ رہا ہوں. اچھا جی فرا کیا بنانے والی ہے؟ اچھا میں لپسٹک بنا لوں گی پھر میری خیر ہو جائے. لپسٹک بنائیں گی؟ میں لپسٹک بناؤں گی, بالکل لپسٹک بناؤں گی, اور ڈیفرنٹ شیڈز کی بناؤں گی. اچھا اگر کل کو, اگر کل کو میں نے کچن میں فریج میں سے جیم نکالا اور وہ لپسٹک نکلی, میں خدا کی قسم آپ کے گھر کے دروازے پہ آ کے اینٹیں ماروں گا. وہ تو پھر آپ کا لک ہے نا, وہ آپ کی وائف کو پتا ہونا چاہیے کہ لپسٹک کو کچن میں رکھتے ہیں یا فریج میں رکھتے ہیں یا ڈریسنگ پہ رکھتے ہیں.
मैंने तो सिर्फ बतानी है रेसिपी, आपकी लड़ाई करने के लिए आए हैं। आप कौन ये बताए हैं, आप कौन आ गए? हाय हौसला, हाय हौसला, हाय तालियां बजा दो जालिमों, तालियां बजा दो। अच्छा जी, लिपस्टिक क्या बनाने वाले हैं? लिपस्टिक बना रही हूँ। अच्छा, ये मेरे पास बीज वैक्स है जो मैं इतना काम कर रही थी, मक्खियों की, शहद की, मक्खियों का जो छत्ता होता है उससे वैक्स जो निकलती है वो वाली वैक्स है। वो बहुत आसानी से मिल जाती है, 10 रुपए की आपको मिल जाती है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं। इसको थोड़ा सा मेल्ट करके इस तरह से हो गई है। आपने क्या करना है, ड्राई पैन में, आपको सॉस पैन में इसको थोड़ा सा पिघला लेना है, तो ये पिघल जाएगी। आपने डिफरेंट शेड बनाने, तो मेरे पास प्यालियां हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता देती हूँ। जितनी ज्यादा आपने बनानी हो वो आप ले सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है? दो तरह की मैं बना रही हूँ। अच्छा, इसमें मैंने क्या शामिल करना है, ये मेरे पास टेलकम पाउडर है जो घर में हम लगाते हैं, गर्मियों में ज्यादा लगाते हैं, वो मैंने ले लिया है थोड़ा सा, 1 टेबल टीस्पून, यहाँ पे 1 टीस्पून, क्योंकि 2 शेड्स की मैं बना रही हूँ, ठीक है? ये मेरे पास है ऑलिव ऑयल थोड़ा सा, 1 टीस्पून इसमें, 1 टीस्पून इसमें, ठीक है? ठीक है, ये मैंने शामिल कर दिया और ये मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये ऑलिव ऑयल है वो हम बाद में भी इसको इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने इसको दोनों को मिक्स कर दिया है। ये मेरे पास है फूड कलर और पिगमेंट कलर भी एक मिलते हैं जो प्रोडक्ट में, कॉस्मेटिक्स में जो यूज होते हैं वो भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताने के लिए फूड कलर इस्तेमाल किया है। आपको फूड कलर पिंक कलर के, ब्राउन कलर के, रेड कलर के, हर कलर के मिलते हैं। और वो जो दुपट्टे रंगने वाले रंग होते हैं, नहीं वो बिल्कुल भी ना, वो रंग कार्ड वो बिल्कुल भी ना लीजिएगा, दुपट्टे रंगने वाले कभी नहीं उतरेगी, मैं बता दूं, वो फॉरएवर उतरेगी, वो तो लगी रहेगी, ठीक है? तो वो आपने लेना है यहाँ पर, ये मैंने देखिए थोड़ा सा जितना डार्क शेड आपने बनाना है, ठीक है? अभी हम लाल बना रहे हैं, लाल बना रहे हैं, जितना डार्क शेड आपने बनाना है लाल बना रहे हैं। इसे मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसमें, ठीक है? इसको मिक्स कर दिया, ठीक है? देखें कितना अच्छा कलर आ गया इसका, खूबसूरत है, फाइनल ये बन चुकी है हमारी लिपस्टिक, देखें वेरी नाइस भाई, कितना डार्क कलर, ये देखें जी कैमरा, ये दिखाएं जी, ये डार्क कलर की लिपस्टिक। और इसको आप रख सकते हैं किसी डब्बी में डाल के, किसी कंटेनर में डाल के, ये बिल्कुल जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो ये बिल्कुल लिपस्टिक की शेप में आ जाएगी। अच्छा, और इसको फ्रिज में भी आप रख, फ्रिज में भी रख सकते हैं, इसको बाहर भी रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि बीज वैक्स भी खराब नहीं होगी और इसमें ऑलिव ऑयल डाला हुआ है वो भी नहीं खराब होगा और कलर भी नहीं होगा, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें फंगस डालेगा खराब करेगा, ठीक है? अच्छा, ब्राउन कलर जो हमारी अम्मी को बड़ा पसंद होता है, ब्राउन कलर वो बड़ी शौक से लगाती है, हर शादीशुदा लड़की शादी के बाद ये वाला ये जरूर लगाती है। तो आपने क्या करना है, ये कोको पाउडर इसके अंदर ऐड कर लेना है। अच्छा, मैंने बात की थी इसमें फ्लेवर्स भी आ सकते हैं बहुत सारे, जो आपको फ्रूट पसंद है उसके आप एक्सट्रैक्ट मिलते हैं, एसेंस मिलते हैं, जो हम कस्टर्ड में डालते हैं, पुडिंग में डालते हैं, वो थोड़े थोड़े आप डालेंगे तो जब लिपस्टिक लगाएंगे तो उसका आपको टेस्ट आएगा, अच्छा अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा, अच्छा सा लगेगा, फील होगा। और ये लिपस्टिक है, ये ब्राउन कलर, इसके बाद हम लिपस्टिक खा जाएंगे, खा भी सकते हैं बिल्कुल, कोई भी आपके लिए नुकसान नहीं है। अच्छा, ये ब्राउन कलर अम्मियों वाला बन गया। और ये लिपस्टिक खास तौर पे मैंने बच्चों को जहन में रख के बनाई है, जब अम्मी लगा रही होती है तो बच्चे बड़े जिद कर रहे होते हैं, मामा मामा मुझे भी लगा दो, तो हम कहते हैं नहीं नहीं बेटा आप ना लगाए, आपके लिप्स जो है वो काले हो जाएंगे। मुझे एक बैग मिला है यहाँ से, कोई 1122 को बताओ यार, मुझे यहाँ से बैग मिला है, इसको रख दे, इसको क्या करना है, इसमें मैं लिपस्टिक डालूंगी ना, ये मेरा है रख दे, ये यहाँ पत्नी में समझा के नहीं, मैं सिर्फ देख रहा था, कर रहे थे, मुझे ऐसे ही शक गुजरा ये कोई अलग चीज पड़ी है यहाँ पे, इसकी नजरें कितनी तेज है, मतलब तेज है ना, इसको बचा के रखना चाहिए। तो आप वो 1122 वालों को बुला ले, उनको बस हम है ना, मालूम जरूरत ही नहीं है, तो लापता नामालूम बैग पड़ा था, क्या पता किसमें क्या हो। भाई बीवी का नाम क्या, ये बताओ मुझे, छोड़ दें क्या जरूरत है, छोड़ दें, कैसी हैं आप, अस्सलाम वालेकुम, छोड़ दें आपको, हम देखिए आपके लिए लिपस्टिक बनाई है, आप ये आपके लिए हमने लाल और ब्राउन रंग की लिपस्टिक बनाई है, ये ज्यादा गुस्सा है, रेड वाली लगा दे, बोले कि बड़ा जोर का तमाचा मारा है, और ये वाली ब्राउन वाली ज्यादा कम गुस्सा है, तो ब्राउन वाली वो 4 दिन पहले मारा था, ब्राउन निशान हो गया, ब्राउन निशान, ये आपको रेमेडी दे। अच्छा मुझे ये बताएं कि छोटे बच्चों के लिए मैं आपको बता रही थी कि बच्चे जो है हम लिपस्टिक अम्मी नहीं लगाने देती, बच्चे बड़े जिद करते हैं, तो आप भी लगा दे, बच्चे खुश हो जाएंगे कि लिपस्टिक लगाई है, और फिर आपकी भी टेंशन दूर हो जाएगी कि हमारे बच्चों के लिप्स काले हो जाएंगे, तो आप इसको इजीली बना सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा मुझे एक आखिरी बात बता दें, क्योंकि फिर मेरे एक और गेस्ट ने मुझे ज्वाइन किया, कि ये जो शेप है लिपस्टिक की ये कैसे लेके आए? इसको आपने एक कंटेनर मिलते हैं लिपस्टिक के, आप उसको रख दें और इसको आप फ्रीजर में रख दें, ठीक है? पूरी रात रखे रहने, जब आप उसको निकालेंगे तो वो बिल्कुल उसका शेप बन जाएगा, उसको निकाल दें, इजीली बन जाता है, ये जम जाता है। वरना आप इसमें लिप ब्रश के वो भी मिलते हैं छोटे छोटे से, उसमें भी आप लगा के लिप ब्रश की मदद से आप लगा देते हैं, एक छोटा सा क्या उसको आईलाइनर के टाइप का होता है वो भी मिलता है, आप उसको लगा सकते हैं, लिप लाइनर से लगा सकते हैं, इजीली किसी डब्बे में डाल के रख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप इसको रखें, और फ्रीजर में रखना है तो ये जम जाए। ये आपको 5-10 रुपए में लिपस्टिक बना के देंगे, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए,
हर कलर में, हर शेड में, हर फ्लेवर में। अच्छा भाई, इस वक्त हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है, बहुत ही मशहूर तज्जिया निगार हैं, एनालिस्ट हैं, कॉम्पेयर हैं, और मैं बड़ी फैन हूँ इनकी क्योंकि बड़े सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट में इनका नाम आता है, डॉक्टर शाहिद मसूद आए हैं भाई। मतलब मजाक है तो हमें मजाक नहीं करनी है, सीरियस हो जाएं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताजा तरीन खबरों, तबसरों, तज्जियों के साथ मैं डॉक्टर शाहिद मसूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हो ये रहा है कि यहाँ पे एक खातून बैठी हैं जिन्होंने शहद की मक्खी के छत्ते से, जी हाँ, शहद की मक्खी के छत्ते से लिपस्टिक बनाने का कामयाब तजर्बा कर लिया है। इनको मेकअप की दुनिया का आगा वकार भी कहा जाता है। इनको ये भी जिस किस्म की इन्होंने लिपस्टिक बनाई है, आप ये कोशिश जरूर कीजिएगा कि मर्द हजरात खासतौर पे कि लिपस्टिक बनाते हुए अगर ये लिपस्टिक आपकी शर्ट पे गिर गई तो उसके बाद बेगम साहिबा के हाथों आपकी मौत यकीनी है। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? आपको ये इख्तियार किसने दिया कि आप मुझसे ये पूछें कि मैं कैसा हूं? मैं जैसा हूं मैं आपके सामने हूं, हंसता गाता चलता फिरता, हंसता गाता अल्लाह माफ करे जिंदगी में भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सामने हूं। आप होते ही कौन है मुझसे पूछने वाली? ये हो क्या रहे यहाँ पे? शाहीन सहबाई साहब के अलावा किसी को इख्तियार नहीं है मुझसे पूछे कि मैं हूं कैसा। अच्छा डॉक्टर साहब आपने डरा सा दिया, मैं चली जाती हूँ, ब्रेक एक लेनी थी, छोटी सी मासूम सी ब्रेक लेनी थी। खातिन हज़रात एक ब्रेक पे चलते हैं, अपना और अपने गिर्दो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा और कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये बच्ची आपके सामने थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होगी। वेलकम बैक वंस अगेन। मेरी बहुत ही प्यारी सहेली शेफ फरा ने तो लिपस्टिक भी बनाना सिखा दी, लाइनर रहता है मेरे ख्याल में, नहीं मस्कारा रहता है, मस्कारा और लाइनर दोनों दोनों रहते हैं से बनेगा, और फलों का हलवा भी रहता है अभी, बिल्कुल ये माशाल्लाह, और ये आपको को 50-100 रुपए के अंदर सारी चीजें बन जाएंगी, बिल्कुल बन जाएगी, हलवा भी इतना मजेदार और इतना अच्छा हलवा, फिर मैं तो बाद में बताऊंगी कैसे बनेगा। हाँ। लाइनर तो आपका 50 रुपए बन जाएगा, लाइनर और मस्कारा दोनों बन जाएगा। आप क्या करती हैं मुझे तो समझ ही नहीं आती है। अच्छा लेकिन भाई फरा आई एम सॉरी, मतलब आप तो हैं ही हैं, लेकिन अच्छा? अभी एक और बड़ी बड़ी मेरी प्यारी शख्सियत और पूरे अवाम के दिलों में राज करने वाली शख्सियत हैं, और इनकी अगर होस्टिंग की बात करें तो ये जो गेम शो का कॉन्सेप्ट था ये इन्हीं की वजह से इसका आगाज़ हुआ, एक बहुत बड़ा पाकिस्तान इंडस्ट्री का नाम हमारे साथ इस, और आते नहीं हैं बिल्कुल। अच्छा? नहीं कभी आते, ये वीकेंड शो पे आज जो है ये मौज मस्ती लगी हुई और ये खास खास लोग आ रहे हैं, और ये बच्चा भी रोना शुरू हो गया इससे पहले कि ये और रोए। हमारे साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली तारिक अजीज साहब। देखती आंखों सुनते कानों, आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम साहब। किस्सा यूं है कि एक शख्सियत मेरे साथ आज मौजूद है, ये शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में कहा जा सकता है कि इनकी जेब में सितारे हैं। बच्चा थोड़ा चुप कर जा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। ये कमन तो नहीं डालती, सितारे घेर के आपके सामने लाती हैं और आपके कच्चे छट्टे खोलती है। तशरीफ लाती है मोहतरमा सामिया खान। सामिया आपको कैसा लगा? एक तो बहुत हसीन तरीन आप लग रही हैं, लेकिन प्यार, लेकिन आपको लक कैसा रहा? आप तारिक साहब के साथ बैठी हुई है इस वक्त, लेजेंड है जी और अनबीटेबल हैं तारिक अजीज साहब, कोई आज तक बीट कर सके उन्हें बताइए। और आज भी जब निलाम घर देखो तो वही एनर्जी की कोशिश हो रही होती है, कितनी जबरदस्त चीज है, कोई है ऐसा? आज कहे कि कोशिश हो रही होती है, आपको शर्मानी चाहिए इन अल्फाज पे, एनर्जी है। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। अच्छा जी सामिया, शफात, शफात के टैलेंट मतलब क्या कहना चाहेंगे आप तो पहले भी मुलाकात कर चुकी हैं शफात से। हाँ जी, मैं बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ इनका जायचा देख के। ये बचपन में भी ना एक इनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत रहती होगी, और ये क्यूरियोसिटी होती है ना जो आप लोगों को हेड टू टो, ये मेरा ख्याल है किसी का जायजा लेने के लिए ना बहुत लंबी टाइम दरकार नहीं होता,
इनकी ऑब्जर्वेशन पावर बचपन से ही बहुत स्ट्रांग थी. इवन ये जब छोटे होते होंगे ये गाड़ियां भी तोड़ के अंदर देखती होंगी, गाड़ी बनी कैसे है, चलती कैसे है, रोड पे कैसे जाती है. ये बच्चा बचपन से टेक्निकल माइंड, थोड़ा सा पंगेबाज. अच्छा अभी तो पंगा शुरू हुआ है ना. अच्छा अभी जब लोगों का रिएक्शन आना शुरू होगा, अल्लाह ना करे. वैसे एक बात कहनी चाहिए, अभी तक तो बुराइयां ही हो रही हैं. नहीं वैसे एक बात अच्छाइयां बताते हैं. मैं एक बात कहूँ कि देखिए बड़े लोगों की की जा सकती है ना, अब कोई मेरी नकल क्यों करेगा, ठीक है ना, क्योंकि लेजेंड तारिक अजीज है. अब उनकी उनके लिए तो एक तरह से इज्जत अफजाई है कि बच्चे इतने शौक से देखते हैं, कॉपी भी करते हैं. तो आई थिंक इस पे किसी को नाराज नहीं होना चाहिए. मैं यही कह रही थी ब्रेक में कि वो लोग जिन्होंने आवाम के दिलों में घर किया और लोग पसंद करते हैं, बिल्कुल उन्हीं की मिमिक्री करवाना और करना पसंद करते हैं, तो ये ऑनर की बात है. और लोग भी उन्हीं को सुनना चाहेंगे जिनको दुनिया जानती है. बिल्कुल तो मेरे ख्याल में शफात के टैलेंट की तो एक यहाँ पे मैं मजेदार वाकया सुनाऊँ आपको कि एक हमारी टीवी की बहुत अच्छा नाम है, हम नाम लेने में कोई बुराई नहीं, सादिया उन्होंने खुद ये किस्सा सुनाया कि उन्होंने कहा कि मैंने एक दफा ना मैं इनकी नकल बहुत अच्छी उतारती थी मीरा जी की. अच्छा. तो एक दिन मीरा जी की नकल उतार दी, मीरा जी का फोन आ गया, उनको बहुत सख्त वाला फोन आ गया. तो उन्होंने कहा सादिया इमाम जी ने कि मैं देखें मीरा जी बड़े लोगों की ही नकल की जाती है जिसको दुनिया जाने, आप तो एक ऐसी हस्ती है लोग आपको सुनना चाहते हैं आपसे मेरे मुंह से. कहती है ओके ठीक है, आइंदा के बाद तुम सिर्फ मेरी नकल उतारने. कहा है अभी तक आज से पहले जो आपने जितनी गुफ्तगू की थी ना वो सब आपने नलिफाई कर दी इसे एक जुमले के बाद. आपको एहसास भी नहीं हुआ लेकिन आपने सबको मीरा बना दिया. मीरा बना दिया लेकिन वैसे एक चीज है, मीरा की कभी दिल किया वैसे शफात करने को कॉपी? नहीं मैं खवातीन की नकल कर नहीं सकता सच्ची बात है, क्योंकि एक तो आवाज वैसे नहीं, आवाज थोड़ी सी बेस वाली है तो वो उसमें वो नोट नहीं आती. फिर वो अगर कोशिश करूं तो बड़ी और आप ये सोचते भी होंगे कौन कौन सी नकलें करूं मैं. नहीं ऐसा भी नहीं है, सोचने की अलहमदुल्ला जरूरत है. सबसे ज्यादा मजा किसको कॉपी करके आया जो सबसे ज्यादा बुरा मनाता हो? वो कौन थे? वक्त वक्त में चेंज होते रहते हैं. किसी भी वक्त कोई भी हो सकते हैं. कभी टेलीफोन आते हैं? बहुत बहुत आता है. फेसबुक मैसेजेस, टेलीफोन, SMS, WhatsApp, सब आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. कभी गुरूर नहीं किया, कभी गुरूर नहीं किया. हाँ अच्छा जी अब फरा जल्दी से लाइनर और मस्कारा, लाइनर और मस्कारा में बनाना बताऊंगी. अच्छा हाल हो रहा है भैया आज तो. चारकोल के कैप्सूल्स मिल जाते हैं, कोयला जो बहुत बारीक पाउडर पिसा हुआ होता है उसके कैप्सूल बहुत आसानी से मिल जाते हैं, वो 10-10 रुपए के मिल जाते हैं आपको आसानी से. ठीक है वो क्या आपने वो खुदकुशी कर ले हम क्या करें, खाने नहीं है उसे आईलाइनर और मस्कारा. अब मैं आपको ये वो कैप्सूल काहे के लिए होते हैं ये भी तो बताएं ना. वो खाने के बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वो आईलाइनर मस्कारा और ये यूज होते हैं सर में जो हमारा डैंड्रफ हो जाता है या फिर गंज पर आ जाते हैं उसके लिए यूज होते हैं. आपको क्या पता है ये कॉस्मेटिक की चीज आप यूज करते हैं? नहीं नहीं मैं आपको बताऊंगा नेचुरल सवाल का यही रहेगा, सिवाय शेविंग फोम के कुछ नहीं यूज करता मैं. अच्छा ये वह मिल जाते हैं आपको कोयला बहुत बारीक पिसा हुआ, अगर आप खुद पीस सकते हैं इसको तो पाउडर की तरह इसको पीस लें. वो मैंने पीस कर उसमें मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 teaspoon ऑलिव ऑयल डाल दिया है. ऑलिव ऑयल देखिए हर कॉस्मेटिक्स में यूज होता है. ठीक है आपने इसको देखिए इस तरह से बिल्कुल पेस्ट बना लेना है. बाकी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसका पेस्ट बना लिया था. आप भी आ जाएं, मैं भी देख सकती हूँ आके. बिल्कुल बिल्कुल आप देखिए हसीन कपड़े भाई, हसीन तरीन कपड़े. अच्छा वो मैंने पीस कर इसके अंदर डाल दिया. तो ये रंग तो नहीं छोड़ेगा, वाटर प्रूफ तो नहीं होगा ये? ये वाला हाँ नहीं वाटरप्रूफ तो ये नहीं होगा, बट ये है कि आपको कोई एलर्जी नहीं होती आपको आंखों की. अच्छा आईलाइनर या मस्कारा लगाने से हमारी आंखों में डैंड्रफ हो जाता है या पानी निकलने लगता है या अंदर में आपकी सॉइलिंग हो जाती है, ये सारे मसले नहीं होंगे. अच्छा एलफी डाल सकते हैं आप अपने लिए जब बनाए तो अलग से डाल लीजिएगा एलफी, वो बन जाएगा. हम आपको कब से शुरू है भाई और क्या करें, लेकिन मैं भी डटी हुई हूँ, बना के बताया है मैंने कुछ भी बोलने मैंने जो बनाना है वो मैं आपको बना के बताया है हमारा ये. अच्छा इन्होंने जो बनाना है आपको वो बना के बताया है. ठीक है सही है. अच्छा जल्दी से बताओ. अच्छा ये मैंने इसमें मैं डाल रही हूँ विटामिन ई के 2 drops. विटामिन ई के ऑयल मिल जाते हैं आसानी से, ये मैंने ड्रॉप डाल दिए हैं. और आपको ऐसा लगता है अच्छा ये हमारा जो है आईलाइनर तैयार हो चुका है. एक्सीलेंट ठीक है आईलाइनर तैयार. ये आईलाइनर ब्रश है, वाह वेरी नाइस है. ये आप इसको आसानी से जिस शेप में जितना डार्क आपने बनाना है आप इसको लेके लगाएं. आपकी आंखों बिल्कुल अच्छा है. अच्छा कलर है. और इसकी अच्छी बात ये है कि आपने अगर इसको ब्राउन शेड का बनाना है, केक लाइनर मिलते हैं तो आपने दोबारा से
कोको पाउडर डाल देना है, अगर आपने इसके उसी ब्लैक में, उसी ब्लैक में अलग से करके, क्योंकि ज्यादा ब्राउन ना हो, उसका शेड आ जाए। देखिए आप जब केक लाइनर बनाते हैं, ब्राउन लेते हैं, तो वो ज्यादा ब्राउन नहीं होता, ब्लैक का भी शेड इसके अंदर आ रहा होता है। अच्छा, थोड़ा सा इसको ग्रीसी करने के लिए ऑलिव ऑयल डाल दें। बालों का भी टूट गया, बिल्कुल बालों के भी टूट के, बहुत सारे टूट गए हैं, वो भी कोको पाउडर डाला है। कभी होगा तो मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा ब्राउन शेड बन गया, ये चॉकलेट ब्राउन शेड बन गया। और अगर आपको केक लाइनर रेड कलर का बनाना है, तो आपने ये फूड कलर हमारे पास था, फूड कलर का बना सकते हैं। पिंक बनाना है तो पिंक कलर का, तरीका वही है, तरीके में कोई फर्क नहीं है। जिस शेड का बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, लगा सकते हैं, आपको कोई आंखों से पानी निकलेगा। वरना हम रोज रोज मेकअप करने वालों को ये तकलीफ होती है कि आंखों से पानी निकल रहा है। ये तो घरेलू टोटका, ये तो आई लाइनर हो गया। और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के, ग्लिसरीन थोड़ा सा डाल के, इसको थोड़ा सा मेल्ट करके, वॉटरी करके, इसको आप अपना मस्कारा बना सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, एक्सीलेंट, टू इन वन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, और ये कैमरा जरा अगर जिप फोकस कर ले, ये देखिए, ये चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन। अच्छा, और ये थिक हो गया, थिक हो गया, बिल्कुल हो जाता है। इसको अच्छा सा मेल्ट कर ले तो थिक हो जाता है। और ये लाइनर का कलर भी, ये लाइनर कलर ये है, बहुत खूबसूरत। अच्छा भाई फरा, आपने अब फलों का जो है हमें हलवा बनाना सिखाना है, लेकिन सामिया एक और बड़ी प्यारी शख्सियत है, मतलब आज सितारों का झुमघट हमारे शो में आया हुआ है। अब जो हैं वो आ रहे हैं जिन्होंने बिल्लों का जिक्र किया, फिर प्रीतो की तरफ आ गए, फिर पता नहीं कौन कौन, मतलब लड़कियां ही हैं और मुझे समझ नहीं आती ये नाम कहां से। थोड़ा सा लेट हो गई हैं, बहुत स्टार आए थे यहाँ पर। आपको पता है वो मेरा और सुंदर का नाम सुन के आए थे, वो जाती नहीं है कहीं पर भी। उनको पता है सुंदर से फरा है, तो उन्होंने कहा चलो हमें तो जाना है, बड़े तैयार श्यार होके आए थे वो। लेकिन अब जो सितारे आ रहे हैं वो सामिया और मेरी और फरा और हम तीनों की वजह से आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत सी, और आते नहीं है ये भी, बिल्कुल ये भी नहीं आते हैं, बहुत सी तालियों में इस्तकबाल करें इब्रार। प्रीतो मैं ना ब्याह कर ले, प्रीतो मैं ना ब्याह कर ले, बेबेला सिला कर ले, प्रीतो मैं ना ब्याह कर ले, प्रीतो मैं ना राणो मैं ना सोनी मैं ना ब्याह कर ले। अट साड़ होने साले वन वे फेर नू, अट साड़ होने साले वन वे फेर नू, हुण तैन का कर ले, प्रीतो मैं ना ब्याह कर ले, प्रीतो मैं ना राणो मैं ना सोनी मैं ना ब्याह कर ले। इब्रार को वेलकम करना है भाई। मैं कहती हूँ स्वागत है जी, और क्या खुश आमदीद, क्या गाया है सर। खैर ये गाना तो आपका जो है वो सुपर हिट है। मैं समझता हूँ जी, जो अब हम, मैं आ गया हूँ तरीक में। अच्छा। अब मैं सियासी गाने गाता हूँ, ये तो मेरे पुराने गाने हैं। ये तो मैं अभी गाना कौन सा बनाया आपने? चले वो फिर मैं आपको पीछे कहीं सुना दूँ। अच्छा इब्रार मेरी बात सुने, मतलब अब आप आए हुए, आपके होते हुए हम जुर्रत कर सकते हैं, हमने ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाना है? ओके, गाना ब्रेक दे रहे हैं इब्रार साहब। चले मैं गाना नहीं, मैं तो आपको पता है ऐसी गा लेता हूँ। अच्छा। म्यूजिक की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है छोटी मोटी नोड तो बरात नहीं लगानी, सात जान मालो माल ताई तेरी गल करनी है डैडी नाल, अस तेरी गल करनी है बेबे नाल, अस तेरी गल करनी ओए। ब्रेक पे जाए। अच्छा जी वेलकम बैक वंस अगेन, मल्टी टैलेंटेड लोग हमारे साथ मौजूद हैं। फरा ने फल भी काट लिए माशाल्लाह, एक हाथ से वो चूल्हा जला रही हैं, एक हाथ से फल काट रही हैं। ओहो आग भी लगी, अल्लाह खैर करे, आग भी लगा दी, आग भी लगा दी, कहां कहां लगाई आग, थी आग लगाना। ये पता है ईंधन की इतनी आग नहीं थी। अच्छा ये इनके हुनर की आग थी, बिल्कुल यही थी। ये सुंदर धुआं यहां उठ, धुआं धुआं यहां उठाएगा, चक्कर चल रहा है, ये नंबरों का क्या चक्कर है। अच्छा बल्कि सामिया से एक काम करते हैं, सामिया की मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। सामिया एक से मैं एक पूछता हूं, 9th फरवरी
تاریخ پیدائش کچھ نو نمبر کے بارے میں بہت اچھا آپ نے الٹا الٹی گنتی کرنی ہے نائنتھ سے نائن سے شروع کر دیتے ہیں نائن سے اپنا پوچھ رہا ہوں نائن فیبرری نائنتھ اگست میں نو اگست یا نو فروری اچھا اچھا جی جو نائن نمبر ہے سندس بہت اس میں یہ ان کے اندر یہ روحانی طور پہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے ان کا نمبر جو ہے آپ نائن نمبر کو جتنی بار بھی ملٹی پلائی کریں ڈیوائڈ نہیں ہوتا نو نمبر وہ گھوم پھر کے نو ہی آ جائے گا جتنی بار اس کو ملٹی پلائی آپ کرتے جائیں اسٹبن ہوتے ہیں جو ارادہ کر لیں اس کو پورا کرنا ہوتا ہے ان لوگوں نے اور لیکن ایک جو ان کے اندر بری چیزیں وہ انسیکیور بہت رہتی ہیں ان کے اندر انسیکیورٹی ان کے نمبر کی وجہ سے بہت پائی جاتی ہے تو آئی تھنک نائن کا بھی اتنا کافی ہے ایٹ کا آپ کر لیں ہاں ایٹ جو آٹھ نمبر ہے یہ جھوٹ بڑی صفائی سے بولتے ہیں اچھا میں کہتی ہوں جھوٹ بولنے میں ماسٹر ہوتے ہیں آٹھ نمبر کے لوگ ایسی صفائی سے جھوٹ بولیں گے پکڑے نہیں جائیں گے لیکن کنفیوژن کا بہت شکار رہتے ہیں اب کیونکہ دیکھو آٹھ یوں ہوتا ہے کہیں سے بھی راستہ نہیں کھلا ہوا اپنی ذات کے اندر کڑنا اپنی ذات کے اندر ٹو پلس ٹو کرنا اور دوسرا یہ کہ یا یہ ان کی زندگی میں رائز آتا ہے یا پھر جو ہے وہ فال آئے گا یہ یوں یوں چلتی ہے ان کی لائف جو ہے اس کے بعد آ گیا سیون نمبر سیون نمبر والے لوگ جو ہے ان کی زندگی میں اکثر چیزیں ان ایکسپیکٹڈلی انسرٹن ہو جاتی ہیں جیسے لائک اے میریکل اور یہ فرینڈلی بھی ہوتے ہیں یہ سات نمبر کے جو لوگ ہوتے ہیں اور زندگی ان کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معجزوں کے سر پہ چلتی ہے کوئی نہ کوئی جیسے میریکل سے پیدا ہوں گے میریکل سے بچ جائیں گے سیون نمبر میریکل کا نمبر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ گیا سکس نمبر اس کا تعلق ہے وینس سے اور بڑے خوبصورت یوزلی ہوتے ہیں سکس نمبر کے لوگ کہیں نہ کہیں ڈمپل بھی ہوتا ہوگا ان کے اور صرف یہ ہوتا ہے کہ انسرٹن بہت ہوتے ہیں ہوا کا مزاج ہے مطلب ایک کام ٹک کے نہیں کرتے کلا بازیاں کھاتے ہیں ہاں اور ہر کام کو کرنے کو ان کا دل چاہے گا آ گیا جی فائیو نمبر فائیو نمبر مرکری کا نمبر ہے انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ دوست بہت جلدی بنا لیتے ہیں لوگوں کو اپنا تیئیس بھی پانچ ہے ہاں میں وہ اسی طرح چودہ بھی پانچ ہے تو جس کا بھی ٹوٹل کاؤنٹ پانچ بنے گا فرینڈلی بہت ہوتے ہیں چار نمبر کے لوگ جو ہیں یہ یورینس کے اثر میں پیدا ہوتے ہیں آٹھ نمبر کی طرح ان کی زندگی میں بھی بہت ریپڈ چینجز آتی ہیں اچانک ٹوسٹ آ جاتا ہے چلتے چلتے زندگی میں زندگی یوں اسٹیبل نہیں چل پاتی ان لوگوں کی ایک چار نمبر کی اور ایک آٹھ نمبر کی اور اس کے بعد آ گیا دو یہ مون کا نمبر ہے اور یہ ان کی زندگی میں بہت ویریشن رہتی ہے موڈ سوئنگس بہت ہوتے ہیں انپریڈکٹیبل لوگ یہ ہوتے ہیں کیونکہ بہت جلدی چینج کر جاتے ہیں اپنا ویژن جو ہے کیونکہ جو چاند ہے وہ صرف 52 آورز ایک گھر میں رہتا ہے پھر وہ کود جاتا ہے چاند سے دیکھو پانی بھی افیکٹ ہوتا ہے چاند سے زمین میں بھی چینجز آتی ہیں ایون جو ہم لوگ سرجری کبھی کبھی کہتے ہیں تو میں کہتی ہوں رائزنگ مون میں سرجری مت کروائیے بلڈ شیڈ بہت ہوتا ہے جب کیونکہ خون چاند رائزنگ ہو تو آپ کے جسم سے خون بہت بہتا ہے تو کوشش کریں اگر آپ کے پاس آپشن ہے تو ڈکلائننگ جو مون جو زوال مون ہوتا ہے اس میں کرا رہے ہیں نمبر ون آ گیا اور اگلا سال نمبر ون کا سال آ رہا ہے یہ کریٹو بہت ہوتے ہیں ان کے اندر نئے نئے ایڈونچر کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے خوش قسمت بہت ہوتے ہیں اور بری بات کیا کہ ان کی زندگی میں تنہائی بہت آتی ہے اچھا لیکن سامع ان تمام نمبرز میں سے کون سے ایسے نمبرز ہیں جن کے لیے یہ نیا سال جو ہے اب اچھی امیدیں لے کے آئے گا جن کا بھی نمبر ون سے تعلق ہے ان کو یہ سال بہت سوٹ کرے گا 2017 میں بھی آپ دیکھیں گے بہت ساری نئی چینجز ملک میں بھی بنیں گی اور اچھے کام ہوئیں گے کیونکہ یہ ہوتا یہ خوش قسمتی کا نمبر ہے لیکن جو انڈیویجولز ہیں ان کی زندگی میں تنہائی بہت لاتا ہے یہ اس کا ایک وہ ہے کہ وہ یا تو خود ہی آئسولیشن میں رہنا پسند کرتے ہیں یا اللہ کی طرف سے تنہائی آ جاتی ہے لیکن اللہ سب کے لیے بہتری کرے اور یہ ابھی ہم نے ایک کوئک راؤنڈ اپ دیا ہے تمام نمبرز کے حوالے سے ڈیٹیل میں ہم نے سٹونز کی بھی بات کرنی اور آپ کی ہم لائیو کالز بھی بیچ میں لیں گے اچھا بھائی وہ پھلوں کا مطلب حلوا رہ گیا جی بالکل حلوا رہ گیا اور جھٹپٹ بڑھنے والا جب تک میں نے اتنی اچھی اچھی باتیں سنی تو میں نے یہ سارے فروٹس کو کاٹ لیا جو ہمارے گھر میں موجود ہیں جی 12 ہوا نا جی تین ہوا نا تین تو مس ہی کر گئے تھے تین مشتری کا نمبر ہے جوپیٹر کا نمبر ہے بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو تین کے اثر میں پیدا ہوتے ہیں اچھا یہ جوپیٹر کا نمبر ہے نیک بھی ہوتے ہیں فطرت اور کفایت شار بھی ہوتے ہیں دیکھیں 5000 کی چیز 50 ویسے کتنے بچاتے ہیں یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں لوگوں کے لیے نیکی کر رہی ہے نا بالکل حالانکہ دھواں اٹھ رہا ہے میں اسے اسمیل کر سکتی ہوں میں ایک بڑی مزیدار بات کہنے لگا تھا لیکن چلیں چھوڑیں کر دیں کر دیں زندگی میں کون ایسا آدمی ہوگا جو گرم فروٹ چاٹ کھائے گا آپ نام دے رہی ہیں پھلوں کے حلوے کا اس شو کے بعد کھائے گا کیلے کٹ رہے ہیں آپ نہیں چاہتے کہ میں لوگوں کی صحت کا میں خیال رکھوں
मैं उनको मुर्गन की जाए खिलाऊं, वो हलवे खिलाओ जिनसे वो मोटे हो जाएं। आप बिल्कुल नहीं चाहते, स्मार्ट हो तो आप ये वाला फ्रूट देखिए ना, फ्रूट चाट खाएं, फ्रूट्स खाएं, फ्रूट कस्टर्ड खाएं, तो फ्रूट का हलवा भी तो खाएं। अच्छा मतलब उधर भी चक्कर है, जारी सुलह कराने में लगी समझ नहीं आया मैं चक्कर। अच्छा फल क्या क्या मुझे बताओ, आप खुद पढ़ी लिखी हो रहा तो खुद बताओ, मतलब कौन होता है जो ये गरम फ्रूट चाट खाएगा? मैं फलों मैं बनाऊंगी और सब खाएंगे। आप खाएंगे ना? खाएंगे ना? तालियां बजाएं, खाएंगे जाए भाई। देखें आप बताएं। अच्छा नहीं तो मैं इस तरह नहीं फरोगा, आप खाएंगे ना? जो डाले मौसमी डाली हुई है मैंने इसमें, जो हमारे सीजन के फ्रूट्स हैं, अनार आए हुए हैं, ये अंगूर है, सेब है, अमरूद है, और ये हमारे पास सेब था मेरे पास। जो फ्रूट्स आपके पास हैं और जो सीजन के फ्रूट्स होते हैं उससे आप लुत्फानंदोज हो, उसको जरूर खाएं। और हलवा मैं बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ इसमें ऑयल में बना रही हूँ, क्योंकि मैं पराठे अंडा या मैं हलवा मैं हमेशा ऑयल में ही बनाती हूँ, मैं घी में कम बनाती हूँ। ठीक है ये मैंने ऑयल गरम कर लिया है और सारे फ्रूट्स थे, ऑयल बहुत कम, तकरीबन आपने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है, वरना आप देखें जी चीनी ऐड करेंगे? नहीं चीनी मैं बिल्कुल भी नहीं शामिल करूंगी, ये बिल्कुल आपका वो वाला आपका हेल्दी वाला ये आपका हलवा बन रहा है। इस हलवे को आप खाएं, इंजॉय करें, आपको तसल्ली हो जाएगी आज आपने हलवा तो खाया लेकिन शुगर नहीं खाया, आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, आपने हलवा खाया। अच्छा सारे फ्रूट्स मैंने इसके अंदर इस्तेमाल कर लिए हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं पकाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। ठीक है तकरीबन फ्रूट भी गल जाए, बिल्कुल गलेगा। हलवा हलवे का क्या मतलब होता है? अगर आपके चावल गल जाए तो वो हलवा हो जाता है, खिचड़ी गल जाए तो वो हलवा हो जाता है, लड्डू गल जाए तो वो हलवा हो जाता है, तो ये फ्रूट का हलवा इसको गलाना जरूरी है। ठीक है क्या हो रहा है जी? अच्छा ये मेरे पास पिस्ते हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक है इनका पाउडर हुआ ना? पाउडर है, ठीक है पाउडर भी ले लें, पाउडर ले ज्यादा अच्छा है क्योंकि फ्रूट गले हुए तो फिर ये भी आपको चॉप चाहिए, बिल्कुल पाउडर। अच्छा फरा मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करी, बीच में हमें एक बहुत बड़ी शख्सियत ने ज्वाइन की है। शामिया अगर उनके तज्जियों की हम बात करें और उनके एनालिसिस की बात करें, उनकी जर्नलिज्म के करियर के हवाले से बात करें, तो बहुत बड़ा नाम है और बड़ा ऑथेंटिसिटी के साथ लोग उनको सुनते भी हैं, मानते भी हैं, जानते भी हैं। आज खास तौर पे शामिया फरा के फलों का हलवा खाने के लिए आए वीकेंड शो, मतलब ये देख लें कि इतना टाइम निकाला कि वीकेंड शो में उन्होंने कहा सुंदर मैंने आपसे और सामिया से नहीं बात करनी। हाँ। मैंने फरा खास तौर पे जो कराची से आई है फलों का जो हलवा बना रही है मैं वो खाने आया हूँ। हमारे साथ मौजूद है कामरान खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका क्या नाम है? सुंदर सुंदर सा जो भी आपका नाम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। खवातीन हजरात वाकया ये है कि इस वक्त यहाँ पे फलों के साथ जो जुल्म जबर और इस्तेमदाद की दास्तानें रकम की जा रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ताजा फलों को एक गर्म कढ़ाई में डाल के उबाला जा रहा है, उन पे तेल फेंका जा रहा है ताकि वो गल सड़ जाए। कयामत सुग्रा खवातीन और हजरात, कयामत सुग्रा। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे साथ इस वक्त ये कहा जा रहा है मेरे बारे में, एक किस्म की खबरें फैलाई जा रही है कि मैं वो फलों का हलवा खाने आया हूँ। हरगिज ऐसी कोई बात नहीं है, प्रोपेगंडा है ये, प्रोपेगंडा। Amazing. अच्छा भाई फरा जल्दी से बता दे, कामरान साहब को हमने खिलाना है। बस हमने इसमें पिसा हुआ नारियल डाला और बस ये हमारा हलवा, जब तक फ्रूट्स हमारे गल ना जाए हमारा हलवा तैयार हो गया। बस छोटी सी रेसिपी थी, बिल्कुल। और चले भाई ये हुई ना बात। अच्छा कामरान खान साहब खाने पीने का शौक है आपको कि नहीं? खाने पीने का शौक न सिर्फ ये कि मुझे है बल्कि मैं लोगों को भी ये शौक की जानिब रागिब करता हूँ, तलकीन करता हूँ उनको कि वो आए खाए पिए जान बनाए। आपने अगर मेरे प्रोग्राम देखे हो, मेरे तबसरे सुने हो, 35,000 स्टोरीज कर चुका हूँ, ये कह कहकर लोगों को मैं पी चुका हूँ, उनका मगज स्ट्रॉ लगा के पी चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद लोग समझते हैं कि मैं उनके बारे में जो जो वाकया जो 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 जो, जो कहानियां निकाल के ला रहा हूँ। क्या हुआ आपको, कुछ प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं सांस ले ले, सांस ले ले। सांस लेना खवातीन हजरात, सांस लेने की बात की जा रही है। मेरे साथ एक सितारों की माहिर बैठी है जिन्होंने जेब में सितारे भर रखे हैं, उन्होंने सांस लेने सांस की सांस सांस सांस। अच्छा मैं सांस समझा था सांस। अच्छा कामरान साहब आप सामिया से कुछ जानना चाहेंगे? ये ये बताइएगा कि ये हकूमत कब तक रहेगी? जब तक सांस रहेगी। सांस या सांस?
सांस जब तक सांस रहेगी, जब तक रहेगी सांस तब तक चलेगी सांस। जी हाँ खातिर हजरात, ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है माहिर, क्या कहते हैं आपको, एस्ट्रोलॉजिस्ट, ज्योतिष, क्या कहते हैं आपको, जो ये कह रही है, मैंने नहीं कहा खातिर हजरात। मामला गंभीर सा हो रहा है। इससे पेशतर के फलों का ये जो जलाजा अभी आप देख रहे थे हलवे के नाम पे, इसके मजीद कोई तबसरे और तंजिया आपके सामने आए, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक वन सेकंड। ये भी फलों का जो हलवा है और ये बड़ा मजे का टेम्पटिंग लग रहा है सामिया, ये जरा कामरान खान साहब पहले ने ये खुशबू सूंघते सूंघते आए थे, चमची भी दूं मैं साथ में जरा। एक मजेदार बात बताऊं सुन, हाँ, जी कामरान खान तेज तो बहुत बोलते हैं ना, हाँ, एक दफा वो बेचारे ना उसमें फ्लो में कह गए ब्रेक पे जाने से पहले, हाँ, मैं अभी आती हूँ ब्रेक के बाद। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जलजले के बाद के मनाजिर किसी बाग के, आपको नहीं लग रहा है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ये बड़ा मजेदार लग रहा है। क्यों नहीं है, तब क्यों नहीं है, बात ही ऐसे कर रहे हैं तो पाने वाली खबरदार मैं तो मानू ही नहीं कि बुरा है, अच्छा ही है। उमर शरीफ का जायका तो बिल्कुल अंगूर की तरह का है, एप्पल की तरह भी होगा इसमें, वाकई मैं तो देखिए बहुत सारी चीजें इसमें, अमरूद भी है। अच्छा मेरे मुंह में अंगूर ही आया ना, बस क्या पता मुझे बात सही है, मतलब रुक ही नहीं रहे। उमर शरीफ साहब को ये कैसा लगा है हलवा? हम इस हलवे को अप्रिशिएट करते हैं, हमारा टैलेंट है, राय बजा और राय बजा और राय बजा। उसके लिए आप दोनों उसको डर लग रहा है, कुछ माइंड ना कर जाए। अच्छा सामिया फरा का भी बता दे जल्दी से बता दे। अच्छा मैं चला जाऊँ आप जब उनके बारे में, मतलब यही है ना, कुछ बड़ी इमेजिनेटिव लड़की अपनी, मतलब मैं यूथ से जब देखती हूँ कि तसव्वुराती दुनिया बड़ी इनकी एक हसीन सी दुनिया हुआ करती होगी, है ना। उसके शहजादे कौन थे फरा जी? आ रहे हैं दूर से, नजर नहीं आ रहे लेकिन जुपिटर के नंबर के असर में पैदा हुई हुई है, खुशकिस्मत है, मतलब नेक खातून मैं जिन्हें कह सकूँ, लोगों के साथ बेलौस नेकियां बांटती होंगी, कि मतलब जो ये इनमें आदत पाई जाती है कि जो है अच्छा, और वह भी पाइसेस लेके पैदा हुई है ना सन, हाँ, हाँ, तो जो है हमदर्द दिल, इमेजिनेटिव, बहुत हमदर्द, बहुत एम्बुलेंस की ड्राइवर ने लड़ाई नहीं की अभी तक, बर्दाश्त बढ़ा है। मुझे एक मिनट हमदर्द इतनी क्या, एम्बुलेंस की ड्राइवर ने क्या चक्कर का है, मतलब इतनी हमदर्दी वही हो सकती है और क्या, और कितनी कितनी मुझे सबर वालियों की लड़ाई नहीं की अभी तक, आजादी है यार, क्या कर लेंगे पड़ोसियों ने तो कितनी फड्डे डलवा दिए, क्या कुछ नहीं बोल दिया यार, तुम लोगों में क्या मशीन फिट है सामने, पर लोग मुझे कहते पटपट बोलती, आज तो मतलब आले चक्कर आना शुरू हो गए कसम खुदा की, मतलब जो इस खातून ने अभी इन फलों के साथ कर दिया कितने चबा चबा के खा रहे, अल्लाह की कसम अभी बीज आ गया मुंह में, क्या करूं इनकी डाढ़ में, अंगूर का बीज फंस गया, आवाज नहीं निकल रही, एक तरफ सेब एक तरफ मेरे नट्स हैं, अब मजे मजे से खा रहे हैं अभी, अब सेब नट्स अपने पास से बनाई जा रही है खाने, अंगूर का बीज डाढ़ में फंस गया, क्या करूं दांत निकलवा दूं क्या। नया साल फरा और शफात के लिए कैसा होगा? नया साल इनका तो मैं देख रही हूँ की माशाल्लाह इस दफा बहुत अच्छा आएगा, बल्कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो कि ब्रेक थ्रू होगी आपके लिए, ऐसा भी होगा क्योंकि जुपिटर नाइन्थ हाउस में आया हुआ और ओवरसीज ट्रेवल बढ़ने लगे हैं आपके, अब मुझे नहीं पता उसमें क्या होगा, क्यों आप इतना ट्रेवल करेंगे उनका, क्योंकि अभी डिटेल में देखा नहीं था, हम ब्रेक से जल्दी वापस आ गए, हाँ। तो मैं डिटेल में देख लेती हूं, सफर तो अलग अलग होगा, फ्लाइट तो अलग अलग होगी, खाबों का शहजादा मिल जाएगा कि नहीं ये बता, नहीं जल्दी बताया, वो शक्ल नजर नहीं आ रही, मिलना चाहिए था कोई, ऐसा हिट नहीं हुआ,
क्या बात करती हैं आप, मुझे पिछले साल क्यों नहीं मिली, इसलिए तो मिला नहीं। मिल जाएगा, वो घोड़े पे आ रहे हैं, दूर से आ रहा है ना, नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच, आपको बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा, मजा आया। जबकि लोगों ने तो बड़ी लड़ाइयां करने की कोशिश की, लेकिन थैंक यू, कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि आपसे कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, लेकिन जो फलों के साथ आपने किया वो नाकाबले माफी। शो खत्म करो। अच्छा वो अनार के छिलके रह गए, उनका क्या करना है, फेंकने बाहर? नहीं फेंकना, वो ना यूज होगा किसी को मारने के लिए, पूरा अनार यूज होगा। बस कर दो शो ही मैं बंद करी। थैंक यू शफात, बहुत शुक्रिया, जीते रहो, खुश रहो, चला जाऊं मैं? नहीं नहीं, और आपकी जो बेगम है, कोई भी नाम था? नहीं, उनका नाम है रबीका। रबीका, हां, कोई भी नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई भी मतलब रबीका नाम है। हाँ, रबीका जी को मैं सलाम पेश करती हूँ, और सलूट है सामी आप, सलूट है आपको। ये वो तो हम लोग दिन में 100 मारते हैं, इसमें ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया शफात, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे सामिया, थैंक यू, हंसा दिया है ना। मैं पता नहीं कितने महीनों के बाद खुल के हंसी हूँ कि मेरे बालों में पसीना शुरू हो गया। बट थैंक यू सो मच, आपसे फिर मुलाकात होगी। ये कौन सी हंसी थी, बालों में पसीना? पेट में बल पड़ के पहली दफा सुना, हंस हंस के बालों में पसीना। अपना अपना रिएक्शन है ना, तो बात पकड़ लेती हूँ, अजीब सी बात है, मतलब बस ये देखे ना, बालों में पसीना, करीब बैठी हुई है ना, बस यही होगा, बस तो दूर बैठ गई। और जाने से पहले पश्तो गाना हम सुन रहे हैं, शफात पश्तो गाना। हाँ भाई, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। जलवा घर पा के यो नूर दे बाबा मड़की, जलवा घर पा के यो नूर दे बाबा मड़की, माँ बमड़की माँ बमड़की माँ बमड़की, दगमानो कोई तुर दे माँ बमड़की, दगमानो कोई तुर दे माँ बमड़की। दखाइश पा गदे नास्ते शहंशाए, दखाइश पा गदे नास्ते शहंशाए, पमग्रां दे खमग्रुर दे मा बमड़की, पमग्रां दे खमग्रुर दे मा बमड़की, मा बमड़की।